हेलो एवरीवन, आज की मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो हिस्ट्री से पीजी करने के बाद नेट करना चाहते हैं। मेरा नेट है 2018 का, 2018 का, और 2019 में मैंने जेआरएफ के लिए दोबारा अटेम्प्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था। फिर मैंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि मेरा सेट क्लियर करने के बाद सीसीएस से ऑलरेडी पीएचडी में एनरोलमेंट था, तो मैं अपनी पीएचडी भी परस्यू कर रही थी। तो उसके काम इतने सारे हो जाते हैं रिसर्च के कि आपको फिर बार 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 एक ही पैटर्न पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो अगर मेरी स्ट्रेटेजी किसी के काम आ सकती है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं, मैं उनका सजेशन देना चाहूँगी। किसी के काम आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। एक ये बेसिक बुक होती है, इसमें हिस्ट्री के तीनों पार्ट होते हैं। ये है किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास, और इसका टाइम है प्रारंभ से लेकर 1964 तक, 1964 तक। तो एक बेस बनाने के लिए मैंने इसको रीड किया था। हालांकि इसको कुछ लोग ये बोलेंगे कि अच्छी पब्लिकेशन नहीं है ये वो, लेकिन इसके कंटेंट सही रिलायबल हैं, इसमें अच्छी चीज़ें हैं। फिर भी अगर आपका बेसिक क्लियर करने के लिए, दूसरी चीज़ है कि अगर आप और थोड़ा बेटर कंटेंट चाहते हैं एक ही टाइम पे, तो फिर वो है दृष्टि। ये दृष्टि का कंपाइलेशन है, ये भी तीनों इतिहास का मिला के होता है। इसका है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, आप ये भी ले सकते हैं बेसिक के लिए। फिर मैंने तीनों हिस्ट्री को अलग अलग बुक से क्लियर किया था। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने पे ध्यान नहीं किया कि बहुत ही ज़्यादा बुक्स पढ़नी है। एक ही बुक आप अच्छी बुक ले लो और उसको रेपिटेटिवली पढ़ो, उसको दो दो बार पढ़ लो। जैसे मॉडर्न के लिए मैंने ये पढ़ी थी, राम लखन शुक्ल, ये बहुत अच्छी बुक है। लेकिन कुछ लोगों को ये काफ़ी मोटी लगती है पढ़ने में, इनकन्वीनियंट लगती है, तो वो सुमित सरकार ले सकते हैं या फिर विपिन चंद्रा। वैसे मैंने ये रीड की थी, मुझे अच्छी लगी। ये कुछ एनसीईआरटी बेस्ड होती है, जैसे एनसीईआरटी में डिटेल्स होती हैं, ये उस तरह की। एंशेंट के लिए भी एक मैंने तो ये मोटी वाली पढ़ी थी, श्रीवास्तव, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्स है, इसमें इतने सारे कंटेंट हैं कि आपका कहीं से भी कोई भी एंशेंट का क्वेश्चन आता है तो इससे रिलेटेबल होता है, इसलिए मैंने इसको रीड किया था। और बाकी ये बहुत ऑथेंटिक और अच्छी बुक है, रामचरण शर्मा की, प्रारंभिक भारत का परिचय। मिडाइवल हिस्ट्री के कुछ कंटेंट निकाल दिए जा रहे हैं, रिमूव किए जा रहे हैं, तो पता नहीं कितने कंटेंट्स की कैसे रिमूव होंगे, आई डोंट नो। लेकिन मैंने मिडाइवल के लिए हरीशचंद्र वर्मा के दो वॉल्यूम आते हैं, भाग एक भाग दो, मैंने ये दोनों रीड किए थे। बाकी सतीश चंद्रा भी अच्छी है मिडाइवल के लिए, अगर किसी को इंटरेस्ट है पढ़ना चाहें तो आप ये दोनों बुक पढ़ सकते हैं। कुछ लोग पीजी लेवल से ही, ये एस के पांडे की तीन बुक आती है, तीन वॉल्यूम, एंशियंट मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों बुक रीड करते हैं। और ये बेकार नहीं है, अच्छी बुक है, लेकिन मैंने वो ज़्यादा पढ़ी थी, वो ज़्यादा फोकस करके पढ़ी थी। ये मेरे पास है तो सही, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर बुरी बुक नहीं, अच्छी है, ठीक ठाक है। और कला और संस्कृति के लिए ये मैंने ऑर्डर की थी, नितिन सिंघानिया की। ये आपको किसी भी बुक स्टोर से वैसे मिल जाएगी, बाई चांस वहाँ नहीं मिलती तो फिर आप अमेजोन पर ऑर्डर कर लेना। बाकी पढ़ना कितनी देर है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को मॉर्निंग में टाइम नहीं होता तो वो लेट नाइट पढ़ते हैं। मैं कुछ स्टेप्स में पढ़ती थी, जैसे सुबह 2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद अपने काम कर लिए, फिर दोपहर को 2 घंटे पढ़ ली, उसके बाद फिर रात को 2 घंटे पढ़ लिया। मुझे लगता है 6 से 7 घंटे बहुत होते हैं नेट क्लियर करने के लिए, उससे ज़्यादा टाइम निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप 6 घंटे पढ़ लीजिए सुबह दोपहर शाम, सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आपको सुबह टाइम नहीं है तो फिर आप दोपहर को 3 घंटा और रात को 3 घंटा पढ़ लीजिए। लेकिन क्योंकि ईयर बाय ईयर कंपटीशन को और टफ कर दिया है, नेट एग्ज़ाम को थोड़ा टफ कर दिया, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि आप 10 ईयर्स ले लीजिए, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर, जो भी आपका सेकेंड पेपर है, मेरा तो हिस्ट्री है, आपका कुछ और भी हो सकता है। आप सेकेंड पेपर के लिए अपने सब्जेक्ट का 10 ईयर्स ले लेना, और फर्स्ट का तो कॉमन रहता है, सबका सेम ही है, फर्स्ट के लिए भी एक 10 ईयर्स आता है, आप वो भी ले सकते हैं, उससे आपकी थोड़ा फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने तो बस इतना ही रीड किया था, उसी से मेरा क्लियर हो गया था। आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे, बेनिफिट हो जाए। थैंक मी लेटर, बाय बाय।